उत्थे जिहड़ी रैली हुई है वह बहुत चंगा कट होया। घंटा पहला लोगों नू देवता की नज़र नाल देख रहे हैं, सिखां नू घंटा बाद उन्हां नू उग्रवादियों की नज़र नाल देख रहे हैं। क्यों इहो जिहा गलत काम करते हैं भाई? ये कोई सिखी अंदोलन थोड़ा ही है। ये अंदोलन तो जिहड़ा है ना किसानां दा अंदोलन है। लखा सिधाणा की अगवाई च बठिंडा के पिंड महराज वड्डे पद्धर ते रैली की गई, जिथे वड्डी गिनती च नौजवानों ते किसानों का इकट्ठ देखण नूं मिलिया। इस रैली की किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी वालों तारीफ की गई है। उन्हें कहा कि महराज रैली दौरान नौजवान किसान अंदोलन बारे काफी जागरूक नजर आए, जो कि केंद्र सरकार लई एक वड्डी चेतावनी है। इस मौके गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि लखा सिधाणा उन्हां दा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि किसान अंदोलन नौजवानों लई ही लड़िया जा रहा है। जी हाँ, चंगी रैली हुई है ते नौजवान जिहड़ा है वो जागृत है। जागृत होना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली अंदोलन तो उन्हां वास्ते ही लड़ रहे हैं, तो वो उन्हां दी जिहड़ी जागृति है वो सरकार वास्ते एक चेतावनी भी है, क्योंकि उत्थे जिहड़ी रैली हुई है वो एक बहुत चंगा कट होया है। तो सरकार नूं समझ जाना चाहिए कि बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक इस अंदोलन दे विच शामिल ने। कुछ किसान आगुओं का कहना है कि एजेंसियां दा काम सीगा जिहड़ा उत्थे इकट्ठ कराया गया। नहीं, इहो जी तो कोई गल नहीं, एजेंसियां किवें इकट्ठ कराणगियां? इकट्ठ तो बंदे ही करनगे, इकट्ठ तो उन्हां दे एडवर्टाइजमेंट नाल होगा, एजेंसियां किवें कर। किसान आगुओं वालों बयानबाजी आउंदी है, जगमोहन सिंह वालों बयान दित्ता जांदा है, कहा जांदा है कि भाई किसानी अंदोलन नूं तार पिंडो करन दे लई एजेंसियां दी चाल है। नहीं, वो कोई किसानी अंदोलन के विरुद्ध थोड़ा ही होया है, किसानी अंदोलन के पक्ष च ही होया ना, किसानी अंदोलन के विरुद्ध तो नहीं ना होया। तो वक्री गल है, वो किसी होर ने किया दूजे पास कोई होर करता वक्री गल है, पर अंदोलन तो सारा इकट्ठा ही है ना जी। महारैलियां होंदियां जां इदां दे हुंदे आ, दोनों एक ही चीज़ा ने जी, दोनों एक ही चीज़ा ने। लोगों का इकट्ठ करके लोगों च भावना भरनी भी तुसी अंदोलन दे विच हिस्सा लो, या उन्हां दा धन्नवाद करना, या उन्हां नूं दिशा देनी, इहो ही काम है ना। फिर जिहड़े नौजवान ने जिद्दां लखा सिधाणा उत्थे अज पेश होया, उन्हां वल्लों कहा गया कि सानूं किसान जथेबंदियां दा साथ देना चाहीदा है, ते उन्हां दी जिहड़ी रूपरेखा है नौजवानां नूं उस दे उपरे चलना चाहीदा, पर जथेबंदियां दे कुछ आगू ने उन्हां तों खिलाफ बोल रहे ने, उन्हां नूं किस तरह दे? देखो, इह डिस्प्यूट है जी, डिस्प्यूट इह है भी उन्हां ने जिहड़ा 26 जनवरी नूं बागी हो के इक प्रदर्शन कीता है ते ओ उल्टा पै गया। उहदे नाल इह हो चलिया सी कि हज़ारां कतल हो जांदे ने, हज़ारां कतल जिवें घंटा पहला लोगों नू देवता की नज़र नाल देख रहे ने, सिखां नू घंटा बाद उन्हां नू उग्रवादियों की नज़र नाल देख रहे ने। क्यों इहो जिहा गलत काम करते हैं भाई? ये कोई सिखी अंदोलन थोड़ा ही है। ये अंदोलन तो जिहड़ा है ना किसानां दा अंदोलन है, तो उन्हां दे जोश तो ठीक है, कदर है, पर जिहड़े वड्डे तजर्बेकार ने जिन्हां ने 40-40 साल तजर्बे चलाते, उन्हां दा तजर्बा तो आखर है ना भाई, जोश उन्हां दा काम आ जाए, तजर्बा उन्हां दा काम आ जाए, जे ये तालमेल बन जाए, जे तालमेल बन जाए, ये बस यही तरीका अंदोलन जितने का। वो तो हुण भी बयान दे रहे ने नौजवान ने लखा सिधाणा, उन्होंने कहा भी सानू किसान आगुआ दे जो भी रूपरेखा उहदे ते चलना चाहीदा, उन्हां दा साथ देना चाहीदा है, उसनू किस तरह दे? कोई नहीं, असीं नेड़े लावांगे, असीं नेड़े लावांगे, कोई असीं ये नहीं है भी जे कोई बच्चा घर च गलत जम जाए तो सट्टिया तो नहीं जाता सड़क पर, रखना तो घर च ही पैंदा है, तो नेड़े लावांगे, वो नहीं गल है भी वो कोई हुण साडे कोई दुश्मन बन गए ने या की है, पर समस्या ये होंदी है भी समझना चाहिए। देखो, अज साडे सामने एक समस्या है भी जे असी दिल्ली च वड़िए तो ये पता नहीं की है बागी हो के कुछ गलत ना कर देन, फिर समस्या कड़ी हो जाए, साडी हिम्मत नहीं पैरी फैसला लैण दी। तो जे कोई समझौता हो जाए, बह के गल हो जाए, तो वह फिर अनुशासन के सारे चलन, फिर असं जीत जाएंगे। जिमें उदाहरण के तौर पर 26 तरीक न जे सानू ये खतरा ना हों, जे इकट्ठे होंगे तो फिर तो 104 गुणा अंदोलन बड़ा होना सी ना, 2 लाख ट्रैक्टर आया आ गए शहर च बड़िया ने, पिछे तो पिछे वापस जाना उन्होंने पे है, इन्ना हूँ हला उतर गया है, तो उदू बाद ट्रालियाँ चलिया बट्टे बजे ने, एकदम अंदोलन उन्दे मूँह गिरया है, वो तो मालिक ने बख्श लिया, पर यह जे काम नहीं करने चाहिए ना, इन्हें कामों नाल की फायदा हो जाएगा? अंदोलन तो सारे का है, देश में बचाने का अंदोलन है, कोई आप हीरो बनने का अंदोलन थोड़ा ही, मैं वड्डा हीरो बन जा, अपने वास्ते अंदोलन थोड़ी ही है।
गुरनाम सिंह चडूनी ने 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड रिंग रोड ते ना करन लई भी गलती मन्नी है। उन्हां कहा कि किसान आगुआं च वड्डी कमी रही है। उन्हां अपनी गलती मनदे कहा कि किसान आगुआं वल्लों पहला रिंग रोड ते परेड करन बारे कहा गया ते बाद विच रिंग रोड ते ही ट्रैक्टर परेड करनी चाहीदी सी। पर की जेड़े रूट ते तुसीं जाणा सीगा जेड़ा दिल्ली पुलिस वल्लों दित्ता गया सीगा उस रूट बारे सारी जानकारी सारा उत्थे तहकीकात कर ली गई सी किसान आगुआं वल्लों जे असीं गल करीए उहदे बारे क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्थे पेट्रोल बंब दा हमले होण दे चांसेस सीगे। इहो जिहा कुछ नहीं सी, ना हमले होण दे चांस सी ना कुछ सी। इह ते अफवाह हुंदियां ने डराण वास्ते भी लोक उधर नूं ना जाण, इह ते अफवाह हुंदियां ने। पर रूट संतोषजनक नहीं सी। जिहड़ी मन्नण वाली गल है वो ये सी भी रूट संतोषजनक नहीं सी। रूट संतोषजनक होना चाहिए सी, साडी कमी सी। जदों असी पहला रिंग रोड की एडवरटाइजमेंट कर रहे हाँ फिर सानू रिंग रोड ते ही मनना चाहिए जी, सानू ना मनना नहीं सी चाहिए, ये साडी भी कमी रही है। उस दिन तुसी भी नाल सी जदों मीटिंग हुंदी है पुलिस दे नाल, फिर अंदर बथेरे झगड़ ले अंदर बथेरे झगड़ ले। हुण जे एक बंदा एक पासे दी कहे, पंज बंदे दूजे पासे दी कहण, फिर पंजां दी मननी पएगी। इह ते नहीं उत्थे बागी हो के अंदोलन तोड़ दिओ, बागी हो के अंदोलन नहीं तोड़ना चाहीदा। वो जिहड़ा रूट सी मैं भी राजी नहीं सी उस ते, फिर हुण मैं भी बागी हो जा, अंदोलन ते गया फिर अंदोलन कहदा होया। सानू आपस च सहमति बना के रखना पएगा, दूजे की बर्दाश्त करनी पएगी, कई बार दूजे नूं मनवानी ही पएगी। जे असीं ज़्यादा हो गए साडा जोर पै गया दूजे तो मनवा लेंगे। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 15 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 50 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਟਿਬਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।